गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स योर जुर्मा 46। सो गाइस कल ठंडा पानी ज़्यादा पी लिया था, गला बैठा हुआ है मेरा, सैलून में ही थी ना। सो आज मेरे को ये बताना है कि पहली बात आप सबको बकरी की मुबारक हो, जो जो भी मेरे इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए आप लोग सब अच्छे से आज नमाज पढ़ के बकरीद मना रहे होंगे, खुशियाँ मना रहे होंगे, अच्छी बात है, और कुर्बानी भी दे रहे होंगे। बट अभी मैं दिल्ली में हूँ, जो कि मतलब ऐसा है कि इस बात पे आप थोड़ा कंट्रोवर्सी वगैरह कुछ भी मत लेना, कुछ गलत भी मत लेना, क्योंकि आई होप आप लोग सब जानते हो मेरे डैड मुस्लिम से, मेरे डैड मुस्लिम है, तो रमज़ान और बकरीद जब पापा थे तो पापा बाहर दोस्तों के साथ मनाते थे, और पहले जब आप छोटे थे तब हम मनाते थे, ठीक है। अब तो हम बड़े हो गए, मम्मा के यहाँ आ गए, तो ये सब मम्मा वगैरह कोई नहीं मनाते, बट मैं मानती हूँ क्योंकि मैं पापा के साथ ज़्यादा रही हूँ तो मुझे इन सब का पता है, तो मैं रहती हूँ, मुझे मानना अच्छा लगता है। और मेरे बहुत सारे दोस्त भी मुनगुंड में, जहाँ मैं रहती हूँ मेरे गाँव में, सब मुस्लिम्स हैं। सुबह बहुत सबके मैसेज आ गए ईद मुबारक के लिए, तो उन सबको भी दिल से ईद मुबारक। और आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरी नानी अभी डेथ हुई है नानी की, तो हाँ, तो अभी विजय मैं सोच रही थी जो मेरे अब इस टाइम पे कुर्बानी का मतलब होता है कि कुर्बान मतलब सेक्रीफाइस इंग्लिश में बोलते हैं कुर्बानी, तो पहले होता है कि बकरा ले आते हैं ईद से कुछ दिन पहले, तो बकरा काटते हैं, तो बकरा को हम लोग कुर्बानी में देते हैं, मतलब आप लोग कुर्बानी का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार के घर ऐसे बांटते हैं लोग। तो अभी मेरी उतनी कैपेसिटी है नहीं कि मैं बकरा काट के ये करवाऊँ, और यहाँ पे जमेगा भी नहीं क्योंकि मैं खुद किराए के घर पे रहती हूँ, तो इतना बड़ा मैं कर नहीं सकती हूँ। बस देखो ड्राई फ्रूट्स और सेवैयाँ लाए, दूसरा बकरे का गोश्त और चावल चल रहा है काम। इससे पहले विजय का फ़ोन आ रहा था, वो सामान लेने गया था बकरा वगैरह, अभी भी आ गया सामान लेके। सो बकरा बहुत महंगा चल रहा है, 700 केजी है, तो मेरे को अच्छा है कि कुर्बानी वाली बकरी मिली तो मंगा दिया है। और आज मैं कुछ अपने फ्रेंड्स और पहचान वाले के घर बकरे का गोश्त और लाइक बिरयानी टाइप ही अभी टिफ़िन लाए हैं, जिस जिसके घर भेजना है उसके लिए, ठीक है। आज मीठी खीर सेवैयाँ बनेगी और बकरे का गोश्त, अब सब बने रहो, सब रेडी होने के बाद ही खाएंगे। सो गाइस फाइनली अभी मैं गई थी, एक मिनट रुक जा पीछे। सो गाइस अभी हम दोनों छोले भटूरे रुके हैं, मैं गई थी वो जो बिजली लाने गया था बकरा, पूरा चर्बी डाल दिया उसने, वहाँ जाके फिर मैंने गोश्त डलवाया उससे, और कम पड़ जाएगा बोल के साइड से और आधा के जी एक्स्ट्रा ले लिया 350 का। तो अभी हम दोनों तो वैसे बकरा खाते नहीं हैं, तो हमारे लिए तो खाने दोपहर बाद में अलग बनेगा, पहले ब्रेकफास्ट नहीं किया हम लोगों ने, तो छोले भटूरे ले रहे हैं यहाँ से, देखते नहीं है। विजय को तो बकरे के बारे में पता भी नहीं है क्योंकि वो खाता भी नहीं है ना, पूरा चर्बी डाल रखा है बस समझे। चलो कोई नहीं, अभी छोले भटूरे खाने हैं, पार्सल लेके घर में खाते हैं, पहले ब्रेकफास्ट भी हो जाए हमारा। दे मजान दे दे पैकिंग चेहरे गाइस, सब रेडी हो गया है, अब विजय पहुंचाने जाएगा, देख लो सब खाली हो गया, चावल थोड़े बचे, अब रेडी हो चुका है, अभी दो ही बचे हैं, विजय लेके गया आज 5-6 एमटी में दिया हुआ है, मेरे जानने पहचान वालों को भेजा है, मेरी बहन, मेरी मासी और मेरी फ्रेंड और जो मेरे बुरे वक्त में साथ दिया उनको लिए भेजा है मैंने, ठीक है। और दूसरा
मेरी यहाँ फ्रेंड की बेटी एक है जो कि हमेशा ओरियो को उनको देखती रहती है, जो हमारा साथ देती है उनको दिया है, और मेरा एक पड़ोसी उनको दिया है, और एक दीदी को, हमारी दीदी है उनको, और एक दीदी है उनको दे दिया। अभी बस दो ही बचा है, दो में से अभी एक मेरी और एक दीदी है उनको देना है, उसके बाद और एक बचा है, मैं सोच रहा हूँ किसको दूँ। अभी एक मैं कोई गरीब को खिला दूँगी, बात बेटर है। हाँ अब वही करूँगी, क्योंकि मैं और विजय तो मटन नहीं खाते हैं ना, इसलिए। और ऐसा नहीं है कि कुछ जताना है, कुछ दिखाना है करके नहीं है, इसलिए दिखाना होता तो मैं अभी विजय को बोलता कि ब्लॉग बनाओ, जी जिसको भी दिया है दिखाओ, ये सब कुछ नहीं है, ये मेरे मन से है। और पहले जब मैं गांव में रहती थी तो मैं हमेशा मेरे क्या बोलते हैं, जहाँ मेरा बड़ा भाई गुजरा है, और मेरी बड़ी बहन है ना मुझसे जो बड़ी है डॉली थी, उसके ऊपर भी एक भाई था हमारा, वो गुजर चुका है, तो हर साल मैं ईद वगैरह में वहाँ जाके अपने रिलेटिव भाई को लेके जाती थी, तो उसके ऊपर चादर उड़ा दो, जो मज़ार होता है ना, मज़ार ना हुआ फूंगो चा फूंगो बेरा उदला, वो मज़ार में हम चादर चढ़वा के बाहर दरगाह के बाहर फ़कीर को मैं खाना खिलाती थी। तो तब की बात अलग है, अब मैं यहाँ पे हूँ तो वहाँ कुछ कर नहीं पाऊँगी, तो मैं सोचा यहीं मैं किसी को एक कुर्बानी, मतलब बकरा मेन होता है कुर्बान देना, तो मैंने सोचा यार अपने पहचान लोगों की कुर्बानी के थ्रू खिलाओ, तो वो लोग दुआ तो देंगे मुझे और मेरे पापा को, यही सोचती हूँ और कुछ नहीं। आज ये मेरे पापा और भाई के नाम पे मैंने किया है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं बहुत दिख करके दिखाऊँ, मगर मेरे से जितना हो सका मैंने किया है। बस जो भी जिसको भी मैंने भेजा है वो मेरे वीडियोज़ देखते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों को बताना आज का खाना कैसे लगा आपको, और मीठा भी बहुत टाइम बाद बनाया है, मगर बनाया तो मैंने ही है, साइड में पूरा दीदी दो दीदी थी, सब लोगों ने मदद किया है कि ऐसे करना है वैसे करना है, क्योंकि बहुत टाइम है कि मैं बकरा बनाऊँ, क्योंकि मैं चिकन बना लेती हूँ और बीफ बना लेती हूँ, बफ बना लेती हूँ, ये बकरा बहुत मुश्किल होता है मेरे को ना, तो बहुत दीदी दो दीदी ने मेरी मदद करी है बहुत ज़्यादा, वो नहीं होते थे मुझसे होता नहीं, अकेला मैं नहीं कर पाती, बहुत दिक्कत है, आसान नहीं होता काम करना, मतलब ना 10 लोगों का खाना बनाना, मतलब मेरे लिए तो ये एक चैलेंज है, नॉर्मल दाल चावल हो तो 10 के 20 लोगों के लिए भी बना लो, ये मसाला वसाला सब्जी काटना ये सब में बहुत दिक्कत होता है, जो मुझसे होता नहीं है, बहुत आलसी वाली हूँ मैं, है ना। सो गाइज आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, और आप लोगों भी जितना हो सके अपने पहचान पहचान के लोगों के लिए करो, या गरीब लोगों के लिए करो, ये आज का दिन जो है स्वाप कमाने का दिन है, आप लोग पुण्य कमाने का दिन है, क्योंकि हमारे में बोला जाता है कि अपनी कमाई में से थोड़ा हम गरीब में भी दे दो ना, तो हमारी कमाई क्या बोलते हैं हिंदी में दीदी, हाँ हमारी कमाई में थोड़ा हम कभी कभी दान दे दो ना, तो हम कोई गरीब नहीं हो जाएंगे, हम छोटे नहीं हो जाएंगे, तो मेरी सोच ये है। बट लोगों को हेटर्स तो मेरे बहुत सारे, तो उनको तो अलग ही लगता है, बट इट्स ओके, आई डोंट केयर, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ, ओके यही है। और प्लीज़ आप लोगों को सबको दिल से बकरीद की बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोग अच्छा खाए अच्छा पिए अच्छे रहे, बस इस टाइम पे जितना हो सके आप दान कर सकते हो, और जो हेटर्स मेरे अपने दिल में जो मेरे लिए खोट और अपने आप में इतना घमंड रखते हो ना, वो भी इस टाइम पे कुर्बान कर दो, यही जानवर ही कुर्बान करना नहीं होता है, इंसान अपने अंदर जो गंदी नीयत पालता है, खोट पालता है, घमंड दिखाता है ना, ये भी आप जितना हो सके कुर्बान कर दो इस दिन पे, या मानो ना मानो बकरीद को, ये बात नहीं है, बट ये सब कुर्बान कर दो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और हाँ एक बात बोलना भूल गई, आगे आपको व्लॉग में दिखेगा अब मैं कैसे, इतनी गर्मी है ना, सजने धजने का मन ही नहीं कर रहा, कसम से बोल रहा हूँ, वरना आज तो मैं भी सूट सलवार पहन के, झुमका पहन के, कंगन पहन के, मेहंदी लगा के करती मैं,
बट ना इतनी गंदी गर्मी है ना, बाहर निकलो तो हालत खराब है, तो इसलिए मैं सच दर्शाना नहीं चाहती। बट आज और मैं विजय और मैं दोनों सोच रहे कि बाहर जाए, एक दूसरे को टाइम दे, देखते हैं आज हम जाएंगे नहीं जाएंगे। आप लोगों को आगे दूसरे ब्लॉग में पता चलेगा। बाय।